नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति श्रीवास्तव। नाग पंचमी की पूजा का क्या महत्व है जानिए इस वीडियो के दौरान। कहते हैं भगवान शिव ने अपने गले में जो नाग डाला था और भगवान विष्णु ने जब नाग का शयन लिया था, या अभी भी फोटो देखी होगी या पिक्चर में देखा होगा कि भगवान विष्णु तो अपने शेषनाग के शयन पर ही लेटे हुए हैं और एक पैर के ऊपर दूसरा पैर उनका हमेशा ही रहता है, यह उनकी अवस्था होती है। और भगवान श्री कृष्ण ने कालियानाग जो यमुना में पानी को जहर बना दिया था उसका सर्वनाश किया। तो इसलिए माना जाता है कि यदि आप नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करते हो तो वह आपको अधिक फल देते हैं। शास्त्र और पुराणों के अनुसार माना गया है कि शेषनाग एक ऐसा नाग है जिसके ऊपर हमारी पृथ्वी पूरी टिकी हुई है। नाग पंचमी का उत्सव सबसे बड़ा माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति पूरे साल वर्ष नागों की पूजा नहीं कर सकता या फिर नागों का ध्यान नहीं कर सकता तो उसके लिए वह शुक्ल पक्षमी यानी श्रावण के महीने में कृष्ण की शुक्ल पक्षमी वाले दिन, जिसे हम नाग पंचमी कहते हैं, उस दिन नागों की पूजा करनी चाहिए और अपने दरवाजे पर गाय के गोबर से नाग देवता बनाने चाहिए और उसे दूध अर्पित करना चाहिए, पुष्प अर्पित करने चाहिए और उसे मेवा भी अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से नाग देवता खुश होते हैं और समृद्धि और ज्ञान और विवेक आता है। नाग पूजा करने के बाद आपको पांच ब्राह्मण को खाना भी देना चाहिए। और पांच ब्राह्मण को खाना देने से पहले आप एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, जब भी आप खाना बनाएं तो उसमें नमक का प्रयोग बिल्कुल ना करें। नाग पंचमी की पूजा, आपने खास तौर पर देखा होगा कि समाज में नाग की पूजा की जाती है और उसके लिए गोबर से अपने चौखट पर नाग यानी कि फन वाले नाग बनाए जाते हैं और उन्हें दूध दही अर्पित की जाती है और फूल भी अर्पित करते हैं। अक्षत के साथ उनका तिलक करते हैं और उन्हें सबसे ज़्यादा चंदन की महक बहुत अति प्रिय होती है, इसलिए उन्हें चंदन की महक भी देते हैं और चंदन भी अर्पित करते हैं। ऐसा करने से नाग खुश होते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आते हैं। नाग पूजा करने के ये नियम हैं। यदि आप नाग पंचमी के दिन ऐसे इस प्रकार से नाग की पूजा करते हैं तो वह आपकी सृष्टि का निर्वाचन करते हैं और आपके घर में और आपके जीवन में खुशियां लेकर आते हैं। तो ये है नाग पंचमी पूजा के महत्व। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए मैं प्रीति श्रीवास्तव आपसे इजाजत लेती हूँ।